दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एस के बैंक का यू सिस्टम कैसे डिसेबल या इनेबल कर सकते हैं अगर दोस्तों आपका यहां पर यू पी आई इनेबल है और उसको डिसेबल करना चाहते हैं या फिर दोस्तों आपका एस में अकाउंट एक से ज़्यादा है और जिस अकाउंट में आप यू सिस्टम इनेबल करना चाहते हैं या डिसेबल करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं आपको दोस्तों ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से अपने इंटरनेट बैंकिंग के जरिए बहुत ही आसानी से इनेबल या सेवल कर सकते हैं अपने यूपीआई सिस्टम को तो दोस्तों कैसे करना है मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाई स्टेप करके बताने वाला वालों तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है उसके बाद दोस्तों आपको सर्च करना है एसबीआई ऑनलाइन जैसा कि दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है जैसे ही दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करेंगे यहाँ पे लॉग का ऑप्शन है लॉग इन पे क्लिक कर देना है जैसे ही दोस्तों आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे कंटिन्यू टू लॉगिन का ऑप्शन आएगा इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे दोस्तों कंटिन्यू लॉग इन पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पे आपको ना यूजर नेम पासवर्ड और यहाँ पे दोस्तों अपना कैप्चा डालकर लॉग इन कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है यूजर नेम डालना है उसके बाद पासवर्ड डालना है उसके बाद दोस्तों अपना यहाँ पर कैप्चा डालकर सिंपली लॉग इन पे क्लिक कर देना है अपने इंटरनेट बैंक का यूजर नेम पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉग इन पे क्लिक कर दे चलिए मैं यहाँ पे लॉग इन कर लेता हूँ जैसा कि दोस्तों मैं यहाँ पर सब चीज डिटेल दे दिया उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा लॉग इन पे क्लिक कर देना है जैसे ही दोस्तों लॉग इन पे क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड नंबर पर जाए, यानी कि दोस्तों आपके बैंक में जो भी मोबाइल नंबर उस पर ओटीपी जाएगा उस ओटीपी को डालकर सिंपली आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है जैसे ही दोस्तों आप उस ओटीपी को डालकर सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा अब यहाँ पे आपका इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन हो चुका है अब दोस्तों आपको यूपीआई सिस्टम इनेबल या डिसेबल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा थ्री लाइन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है ऊपर में आप देख सकते हैं थ्री लाइन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस थ्री लाइन पे आपको क्लिक कर देना है जैसे ही उस थ्री लाइन पे क्लिक माई अकाउंट एंड प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पे दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा अब आपको थोड़ा नीचे आ जाना है उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्रोफाइल पे आपको क्लिक कर देना है जैसे ही दोस्तों प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे अब आपको क्या करना है थोड़ा नीचे आ जाना है चलिए मैं थोड़ा सा नीचे आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको क्या करना है सबसे नीचे आ जाना है चलिए मैं नीचे चला जाता हूँ नीचे जाने के बाद दोस्तों एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं यू पी आई इनेबल स्लैश डिसेबल अकाउंट फॉर यू पी आई यहाँ पे लिखा हुआ है ना इनेबल एंड स्लैश Account अकाउंट फॉर यू पी आई यहाँ पर लिखा हुआ है इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है जैसे ही दोस्तों इस पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा अब इसी को दोस्तों यूज करके आप अपने यू सिस्टम या को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं अब जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपको बोला जाएगा कि अपने इंटरनेट बैंकिंग का प्रोफाइल पासवर्ड डालिए तो आपको करना क्या है अपने इंटरनेट बैंकिंग का प्रोफाइल पासवर्ड डाल देना है उसके बाद दोस्तों नीचे में सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है जैसे ही दोस्तों आप इंटरनेट बैंकिंग का प्रोफाइल पासवर्ड डालकर सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते ते हैं अब दोस्तों आपको करना क्या है थोड़ा नीचे आ जाना है आपका यहां पे डिटेल आ जाएगा अपने अकाउंट का उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है नीचे आ जाना है यहां पे नीचे आने के बाद दोस्तों आपको दिखा देता हूं मैं यहां पे बोल रहा है कि अपना अकाउंट नंबर सेलेक्ट कीजिए तो दोस्तों आपको अकाउंट नंबर यहां पे सेलेक्ट करना पड़ेगा यहां पे दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपका बैंक अकाउंट एस में एक से ज्यादा है तो जिस अकाउंट में अपने यूपीआई सिस्टम को इनेबल या डिसेबल करना चाहते हैं उस अकाउंट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे यहां पर दोस्तों मेरा एक ही अकाउंट है तो मेरा ऑलरेडी पहले से सिलेक्ट है अगर आपका दो है तीन है तो जिस अकाउंट में यूपीआई सिस्टम इनेबल करना है उसको सिलेक्ट करें सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों नीचे में सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है जैसे ही दोस्तों आप सबमिट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा अब यहां पे देखिए बोल रहा है इनेबल स्लैश डिसेबल यूपीआई अब अपना अकाउंट नंबर जो भी आप अकाउंट नंबर सेलेक्ट किए हुए यहाँ पे शो करेगा अब दोस्तों दो ऑप्शन नीचे में दिखाई दे एक इनेबल का एक डिसेबल का यहाँ पे दोस्तों मेरा यूपीआई सिस्टम इनेबल है ऑलरेडी पहले से अब अगर दोस्तों मैं यहाँ पर अपने यूपीआई सिस्टम को डिसेबल करना चाहूंगा तो दोस्तों आपको करना क्या होगा यहाँ पे देखिए इनेबल के बगल में डिसेबल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है एक सर्किल बना हुआ है उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है दोस्तों यहाँ पे जैसे डिसेबल पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा चलिए मैं यहाँ पे डिसेबल पे क्लिक कर जैसे ही डिसेबल पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया अब दोस्तों यहाँ पे आप सबमिट का ऑप्शन है सबमिट पे आपको क्लिक कर देना आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यानी कि दोस्तों आपके बैंक में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर ओ जाएगा तो उस ओ को जैसे ही डालकर सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका अकाउंट आपके अकाउंट का यू सिस्टम यहाँ पर डिसेबल कर दिया जाएगा और अगर आपका यू सिस्टम पहले से ऑलरेडी डिसेबल है तो दोस्तों आपको अब आप इनेबल का ऑप्शन दिखाई देगा इनेबल पे आपको क्लिक कर देना है उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है सेम प्रोसेस है आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओ जाएगा उस ओ टी पी को डालकर सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका यू सिस्टम आपके अकाउंट का यहाँ पर इनेबल कर दिया जाएगा तो दोस्तों आप इस तरह से घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से अपने यू सिस्टम को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं उम्मीद है वीडियो पसंद आई वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें